और चलिए अब बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत स्कीम की, जिसका असर गरीबों के इलाज के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी दिखेगा। बीमा कंपनियां ये मान रही हैं कि आयुष्मान भारत में इलाज का रेट वाजिब है। ऐसे में आयुष्मान की स्कीम के तहत तय रेट और अस्पतालों के सामान्य मरीजों के रेट में अंतर कम होगा। बीमा कंपनियां मानती हैं कि इसका असर क्लेम पर भी होगा और प्रीमियम की दरें नीची आएंगी। हालांकि इसका असर दिखने में 1 से 2 साल लग जाएगा। अस्पतालों में इलाज के बढ़ते खर्च का असर बीमा कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ता है। ऐसे में इलाज के खर्च में कमी होने पर प्रीमियम की दरें घटने की भी गुंजाइश बढ़ती है। बीमा कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि आयुष्मान भारत में इलाज की दरें कम होने से अस्पतालों में मौजूदा रेट में भी कमी आएगी, क्योंकि एक ही इलाज की दरों में जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा। जैसे एंजियोप्लास्टी का खर्च फिलहाल 2 लाख रुपए के करीब आता है, लेकिन आयुष्मान भारत में 65,000 रुपए का रेट तय है। हार्ट बाईपास सर्जरी के लिए 3 से 4 लाख रुपए का खर्च होता है, लेकिन स्कीम के तहत इसे 1,10,000 रुपए तक सीमित किया गया है। घुटने के प्रत्यारोपण का सामान्य रेट 2.5 से 3 लाख रुपए है, पर आयुष्मान भारत स्कीम में इसका रेट 80,000 रुपए है। कैसे कॉस्ट को मीनिंगफुल कर सके, जहाँ पे हर सिटीजन अफोर्ड कर सके, तो चाहे वो कैपिंग आपने स्टेंट में देखी, चाहे कैपिंग नी रिप्लेसमेंट वगैरह में देखी, आई थिंक वो एक प्रोसेस है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर कोशिश करके अगर हम कॉस्ट को कम कर सकें तो उसका फ़ायदा दो तरीके से होगा। एक तो क्लेम्स कम होगा विच इंश्योरेंस कंपनी को होगा, एंड ओवर अ मीडियम टर्म अगर क्लेम्स कम होगा तो उसकी हम बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं बाय थ्रू प्राइसिंग। दरअसल आम मरीजों के साथ ही बीमा कंपनियां भी अस्पतालों के महंगे रेट से परेशान हैं। ओवरबिलिंग की शिकायतों को देखते हुए साल 2010 में बीमा कंपनियों ने कई बड़े अस्पतालों में कैशलेस की सुविधा बंद कर दी थी। बाद में अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच रेट पर सुलह हुई। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लागू होने से बीमा कंपनियां स्कीम में शामिल ग्राहकों के अलावा दूसरे ग्राहकों के लिए भी पैकेज में मोलभाव की भरपूर गुंजाइश देख रही हैं। हालांकि शुरुआत में बड़े अस्पतालों की ओर से विरोध संभव है। करंट रेट से कंपेयर करें तो काफी कम है। उससे एक ही चीज सामने समझ में आती है कि अगर ये रेट सस्टेन हो पाते हैं तो एक बहुत सस्ती कीमत पे कस्टमर्स को जो स्कीम में है उनको तो मिल ही रहा है फ़ायदा, जो स्कीम के बाहर रहेंगे, क्योंकि ये रेट इंश्योरेंस कंपनी अगर स्कीम के लिए यूज़ करेगी, नॉन स्कीम के लिए भी ये रेट यूज़ कर सकती है, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके यूज़ कर सकती है। अभी सरकारी अस्पतालों की सीमित संख्या और सुविधाओं के अभाव में गरीब परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती। सरकार इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम शुरू कर रही है, ताकि गरीब परिवार को भी मुफ्त में अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल पाए। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।